हाँ थर्ड लॉ बता दिया था ना, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बता दिया था। ठीक है ओके, अब देखो कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बच्चे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। अरे ऊपर क्यों नहीं जा रहा भाई? देखो अगर मान लो बच्चों दो मासेस हैं, ठीक है, इनके बीच का फोर्स तो आराम से बता लोगे, राइट, अरे फॉर्मूला तो लगा लोगे। बट अगर मान लो, हाँ क्वेश्चन सी कर लेते हैं, ठीक है, मान लो अगर ऐसे दो मासेस हैं, ठीक है, एक स्फीयर है बच्चों, क्या है, एक स्फीयर है, स्फीयर का मास क्या है एम और रेडियस क्या है आर, इसके सरफेस से 2R डिस्टेंस पर एक स्मॉल m का मास रखा है, ठीक है, रियारी बात समझ। अब इस पर फोर्स बताना है, मतलब इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो बताना है, ठीक है, तो कैसे करोगे? न्यूटन जो लॉ था वो सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड था कि नहीं था बच्चों? क्यों वैलिड था पॉइंट मास के लिए सिर्फ? इसमें इस कैपिटल m और स्मॉल m के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? क्यों क्या सेंटर से ले रहे हो? ये भी तो मास है। अच्छा तो अगर रॉड है तो कहाँ मानेंगे मास? सेंटर पर। स्फीयर का मास आधा हो जाएगा, आधा स्फीयर का मास, हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मासी आधा कर दे रहा है। हाँ बताओ, कुछ लोग जिनका दिमाग ठीक है, कहाँ पर मानेंगे इसका मास? सेंटर पर। प्रियांश भाई कहाँ पर मानेंगे? हाँ पूरा ले लेंगे, तो डिस्टेंस क्या होगी? ना अरे यारी बात समझ में, पॉइंट के बीच की तो डिस्टेंस बता सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पर तो ये भी तो मास है, ये भी लगा रहा होगा फोर्स, ये भी लगा रहा होगा फोर्स, यहाँ भी फोर्स लग रहा होगा, यहाँ भी फोर्स लग रहा होगा, अरे लग रहा हो नहीं लग रहा होगा? ठीक है, अरे यार ये बात समझ में, तो कौन सी डिस्टेंस ले? इसीलिए बच्चों वैलिड नहीं होता है तुम्हारा, इसीलिए जो है आपका एक्सटेंडेड बॉडीज पर वैलिड नहीं होता, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस आप बता सकते हो क्या? नहीं। जो स्टेटमेंट लिखवाई थी उसमें मैंने पार्टिकल लिखवाया था, पार्टिकल वर्ड यूज किया था मैंने, अरे यूज किया था नहीं यूज किया था, बॉडीज वर्ड यूज नहीं किया था, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच या पॉइंट मासेस के बीच की सेपरेशन हम बता सकते हैं, ठीक है। इसे केस में हम मान लेंगे सेंटर पर, क्यों मानेंगे? इसमें नहीं मानेंगे सेंटर पर, इसे मान लेंगे सेंटर पर, सेंटर आप मास से कोई रिलेशन नहीं है उसका, ठीक है। हो क्या रहा है, अगर बच्चों देखो मान लो इसकी जगह अगर मैं कैपिटल एम मास रखता, ठीक है, एक इंटेंसिटी कंसेप्ट आता है अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, अगर मान लो एक स्मॉल एम मास इधर रखते तो कैसा फोर्स लगाता है ये? इधर फोर्स लगाता ऐसा अपनी ओर, ठीक है, अरे अपनी ओर खींचता, यहां पर फोर्स यहां पर रखते स्मॉल एम मास तो किधर खींचता? अपनी ओर खींचता, अरे खींचता ऐसे 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 बनता नहीं बनता बच्चों? अरे ऐसा ऐसा ही बनता ना हर जगह फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। ये जो है आपका, ठीक है, इसको फील्ड की डायरेक्शन कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है किधर लग रही है आपकी? रेडियल लग रही है बच्चे, देखो जैसे लग जैसे आपका स्फीयर टाइप का बना, नहीं बना, इमेजिन कर पा रहे हो? एक पॉइंट मास के कारण जो फील्ड आई हर जगह वो कैसे आई? एक स्फीयर कारण आई। इसमें भी अगर ये रखोगे ना यहाँ पर बच्चों स्मॉल एम मास तो किधर खींचेगा? ऐसे। यहाँ पर भी रखोगे इधर खींचेगा ऐसे, यहाँ पर भी रखोगे इधर खींचेगा ऐसे, अरे समझ पा रहे हो ना? दोनों क्या है, आइडेंटिकल आ रहे हैं, दोनों है नहीं आइडेंटिकल, बट देखो अगर मान लो स्मॉल कैपिटल एम रखो, ठीक है, यहाँ पर एक रखो 1 kg का मास तो किधर खींचेगा ये? अपनी ओर खींचेगा, ठीक है ना, देखो दोनों बिहेवियर सेम है, यहां पर रखो किधर खींचेगा? अपनी ओर खींचेगा, अरे ऐसे खींचेगा, अरे ऐसे बनेगी,
इधर रखो, किधर खींचेगा? अपनी ओर खींचेगा। अरे ऐसे बनेगी, ये क्या है? अगर सबको मिलाओगे तो देखो, इमेजिन करो कि स्फीयर बनेगा बच्चों। अरे बनेगा? नहीं बनेगा। क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। अगर तुम स्फीयर भी लोगे ना, उसमें भी कैसा बनेगा आपका, आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हो, ठीक है ना? यहां पर रखो, देखो कैसे आपका ट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसा ही सेम डायग्राम आता है, ऐसा डायग्राम आता है बच्चों, ऐसा ही सेम डायग्राम आता है। जैसे पॉइंट वाला आया था, वैसे क्या आया था बच्चों? स्फीयर वाला भी आ रहा है सेम। तो इस केस में हम क्या करें? अगर मैं स्फीयर की जगह बच्चों पॉइंट मास रख दूं तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं, दोनों कैसे बिहेव कर रहे हैं? आइडेंटिकल। दोनों कैसे बिहेव कर रहे हैं? आइडेंटिकल। बट इमेजिन करो, अगर मैं लाइन मास रख दूं, यहां पर एक लाइन मास रख दूं, ये आपका क्या रेडियल हो क्या? अगर यहां पर रख दूं बच्चों, तो देखो अगर यहां पर रख दूं, मान लो इधर अट्रैक्ट कर रहा है, राइट? यहां पर रख दूं तो देखो ये अट्रैक्शन का जो सेंस है बच्चों, अभी रेडियल नहीं रहेगा। समझ पा रहे हो? इसकी जो फील्ड की डायरेक्शन है या इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन लग रही है, वो आपका स्फीयर जैसा मिमिक नहीं करेगा। जैसे स्फीयर का आ रहा था ना, वैसे आपका, अगर इमेजिन करो यहां पर इसकी जगह मैं क्या रख दूं, यहां पर देखो, यहां पर फोर्स की डायरेक्शन किधर आ रही है? ऐसे। यहां पर फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी, अरे आएगी, तो यहां पर कुछ ऐसे आएगी। ये जो आ रहा है देखो, ये जो आएगा ना बच्चों, ये आपका स्फीयर इमिट मिमिक नहीं करेगा। जबकि अगर मान लो एक स्फीयर है, ठीक है ना, उसका कैसे सेंस आ रहा था? जैसे पॉइंट मास आ रहा था, नहीं आ रहा, सेम आइडेंटिकल आ रहा था। इसका जो है आपका पॉइंट मास की तरह बिहेव नहीं करेगा, इसलिए इसको हम नहीं कह सकते, इसमें हम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट नहीं लगा रहे हैं। हम क्या लगा रहे हैं कि भाई अगर इसकी जगह मैं पॉइंट मास रखूं तो सेम फील्ड आनी चाहिए, तभी तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। बट इसमें नहीं आ रही है, ठीक है, इसमें नहीं। मैं तुमको डिराइव करके बता दूंगा, नहीं आएगी इसमें। अभी क्वेश्चन करेंगे इसको, ये वाला लाइन वाला भी करेंगे, ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है ना। तुम सेंटर पर रख कर देखोगे, ठीक है, मान लो सेंटर पर रखकर क्या रख दिया मैंने, मास एम रख दी, तो अभी जो फील्ड आएगी वो सेम नहीं आएगी, जो फोर्स आएगा वो सेम नहीं आएगा। जबकि स्फीयर में क्या आता है बच्चों? सेम आता है। इसलिए क्या करते हैं, स्फीयर जगह क्या मान लेते हैं? पॉइंट मास मान लेते हैं। बाकी केस में नहीं कर पाओगे, क्यों? स्फीयर जो है बच्चों रेडियली सेम है, रेडियली आइडेंटिकल है। देखो इधर भी आइडेंटिकल है, इधर भी आइडेंटिकल है, इधर भी आइडेंटिकल, इधर भी आइडेंटिकल, इधर भी आइडेंटिकल, इधर भी आइडेंटिकल। क्या तुम्हारी रॉड आइडेंटिकल है क्या हर एक डायरेक्शन में? नहीं। अरे इधर आइडेंटिकल है क्या? नहीं। कह सकते हो इस लाइन में आइडेंटिकल है, बट बाकी लाइन में आइडेंटिकल है क्या? नहीं, ये रेडियली आइडेंटिकल है ही नहीं। जबकि स्फीयर क्या है बच्चों? रेडियली आइडेंटिकल है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट मास, इसके सेंटर पर पॉइंट मास रख दे तो हमारा काम हो जाएगा। जबकि यहां पर अगर मैं पॉइंट मास रखूं तो हमारा काम नहीं होगा, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। अरे कुछ कुछ चमका, ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, रेडियली सिमेट्रिकल है, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट नहीं लग रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट नहीं लग रहा है। ध्यान देना कि सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दे, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये क्वेश्चन था ना आपका, हाँ, इन दोनों के बीच फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे? इसको बच्चों सारा का सारा मास मान सकते हैं कहां पर? सेंटर पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, कैपिटल एम मास, और ये डिस्टेंस क्या है बच्चों आपका? ये आर है, सरफेस से कितना डिस्टेंस पर है? टू आर डिस्टेंस पर है। तो यहां पर आ जाएगा ये स्मॉल एम। अब देखो दोनों पॉइंट मास बन गए, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग सकता है। एफ क्या होगा अभी? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई थ्री आर स्क्वायर। अरे यही बात समझ में, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई थ्री आर स्क्वायर। इसमें हमने पॉइंट मास लगा लिया, क्यों? रीजन बताओ, रेडियली आइडेंटिकल है, रेडियली आइडेंटिकल है। लाइन मास ये हमारा रेडियली आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है ना।
अभी मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताऊंगा तो और भी अच्छे से क्लियर होगा, गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताऊंगा और भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? ओके, ये लिख लो। अभी इसको मैं गॉस लॉ से करूंगा, अभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। अगर मान लो इसकी जगह क्या हो जाए, दो गोले हैं बच्चों, एक कैपिटल एम मास का, एक मान लो टू एम मास का, इसकी रेडियस क्या है टू आर, इसकी रेडियस क्या है बच्चों आर, इनके बीच की सेपरेशन भी क्या मान लो थ्री आर, तो इनके बीच का फोर्स बताओ क्या लिखोगे? जी कैपिटल एम इंटू टू एम बाई टू आर प्लस थ्री आर प्लस आर, कितना होगा सिक्स आर का स्क्वायर। अरे ही लिखोगे, ठीक है? तो अगर स्फीयर देखे तो स्फीयर को पॉइंट मास से रिप्लेस हम इजिली कर सकते हैं, बाकी के केस में नहीं कर सकते। लिख लिया ऑनलाइन वाले बच्चों, इसमें कुछ इश्यू है बताना, इसमें जब हम पॉइंट मास से रिप्लेस कर दे रहे हैं। सर सर्कल के लिए भी रिप्लेस नहीं हो पाएगा? सर्कल, सर्कल के लिए नहीं हो पाएगा, सर्कल को रिंग मानेंगे दोस्त, ठीक है? इमेजिन करो सर्कल तुम्हारा 2D डायग्राम है, समझ पा रहे हो प्रत्युष? जैसे कोई कड़ा वगैरह लाया है, दिख रहा है मेरी फोटो बताऊंगा आज। जैसे अब इस प्लेन में देखो बच्चों, इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, इस प्लेन में तो ये है रेडियली आइडेंटिकल, बट इसके परपेंडिकुलर इधर आइडेंटिकल है क्या? नहीं, अरे नहीं है ना, तो ये पॉइंट मास से रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको रिंग से मानेंगे, ठीक है? इसको हम डिराइव करेंगे इसका फील, ठीक है? ये स्फीयर क्या होता है दोस्त? 3D होता है। अच्छा, इस लाइन मास का देखते हैं बच्चों, इसका देखते हैं हम, लाइन मास का देखते हैं। मान लो इसकी लेंथ क्या है बच्चों, ये डिस्टेंस एल पर रखा है, स्मॉल एम का मास, इसकी लेंथ क्या है बच्चों एल है और इसका मास क्या है एम है, ठीक है? अरे आई बात समझ में? तो इन दोनों के बीच का फोर्स पता करना है। अगर तुम पॉइंट मास से करते तो क्या लिखते बताओ फोर्स, जो गलत आता? यहां पर मानते इसका सेंटर जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल प्लस एल बाई, ये L by 2 होता ना, तो बीच की डिस्टेंस क्या होती है L plus L by 2, मतलब 3L by 2 का होल स्क्वायर, ये आता, बट ये गलत आएगा। क्यों आएगा देखते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो हमेशा सही है, मतलब पॉइंट मास मान मान कर करें हमारा आ जाएगा, ठीक है? अब देखो फोर्स बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, हमको देखना होगा डायरेक्शन भी, ध्यान देना। इंटीग्रेशन में लोग गलती यही करते हैं, क्या करते हैं गाजर मूली तरह इंटीग्रेट करते हैं, हमको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। हाँ भाई समझ पा रहे हो, सेम डायरेक्शन में तभी वेक्टर ऐड होते हैं, अदरवाइज वेक्टर ऐड नहीं होते। अरे यार कोई वेक्टर इधर है, कोई वेक्टर इधर है, डायरेक्टली जोड़ सकते हो क्या? इंटीग्रेशन में डायरेक्ट जोड़ते हो? नहीं जोड़ते हो, डायरेक्ट जोड़ते हो, अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो नहीं जोड़ सकते। अब यहां पर देखो, अगर क्या कर रहे हो, यहां से अगर तुम इसकी लेंथ एल है, क्या कर रहे हो आप, यहां से अगर x डिस्टेंस पर बच्चों इस स्मॉल एम मास से x डिस्टेंस पर तुमने dx लेंथ का एलिमेंट लिया, ठीक है? कितने लेंथ का? dx लेंथ का एलिमेंट लिया, ओके? अब देखो कहीं भी एलिमेंट ले लो बच्चों, फोर्स क्या होगा हमेशा,
इधर लगेगा क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में लिखवाया था मैंने, फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट मास, नहीं लिखवाया था क्या? देखो मिस हो गया, ठीक है, मतलब ये लिखवाया था अट्रैक्टिव फोर्स है क्या? नोट में ये लिखवाया था इट एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट मासेस, मतलब पता होगा ये, पता बात है कि नहीं तुमको? अरे भाई जो फोर्स लग रहा है इमेजिन करो किसके लॉन्ग लगेगा, अरे इधर ही लगेगा ना ये, अपने खींचेगा नहीं खींचेगा, ये बात पता है, वैसे मुझे लिखवाना चाहिए था। तो किधर अट्रैक्ट करेगा बच्चों? ये वाला इधर अट्रैक्ट करेगा लेफ्ट की ओर, इधर वाला किधर अट्रैक्ट करेगा? मान लो यहाँ पर तुमने डीएक्स एलिमेंट ले लिया, किधर अट्रैक्ट करेगा? अपनी ओर। इधर वाला किधर अट्रैक्ट करेगा? अपनी ओर। सारे एक ही डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब सारे फोर्स क्या है सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। अरे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे? अब बताओ फोर्स क्या लिखोगे बच्चों? मान लो इसका मास क्या होगा, छोटा एलिमेंट है तो क्या होगा बच्चों मास? अरे इसका मास क्या लेंगे बच्चों? डीएम लोगे? नहीं लोगे, ठीक है ना? क्या लिखोगे? डीएफ क्या लिखोगे आप? जी इंटू कैपिटल, सॉरी स्मॉल एम लिखोगे ना? ठीक है, और इसका मास क्या है? डीएम मान लो अपॉन सेपरेशन क्या है इनके बीच की? अरे एक्स है ना, सेपरेशन तो एक्स है, उस एलिमेंट का लेंथ डी एक्स है, सेपरेशन तो एक्स है ना दोनों के बीच की। ओके अब बताओ इसका यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे बताया था हमने कई बार यूज किया, नहीं यूज किया? अरे सेंटर ऑफ मास वगैरह में यूज किया भाई। इस डी एक्स लेंथ का मास क्या होगा? डीएम। हाँ डीएम तो होगा, डीएम क्या लिखोगी? सर इंटीग्रेट कर देंगे। अरे हाँ यूनिटी मेथड्स क्या लिखोगी? एल का मास एम है। अरे किया है ना भाई, यूनिट लेंथ का मास क्या होगा? एम बाई एल। सो डीएक्स लेंथ का मास क्या होगा? एम बाई एल इंटू डीएक्स। अरे तभी तो इंटीग्रेट कर पाओगे, यहाँ पर एक्स वेरिएबल है ना, तो डीएक्स आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे आना चाहिए। तो डीएम क्या होगा तुम्हारा? ठीक है क्या आना चाहिए? एम बाई एल इंटू डीएक्स। अरे ये लिखोगे? अरे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? क्या आ जाएगा? एम बाई एल इंटू डीएक्स। ओके अब देखो सारे सेम डायरेक्शन में बच्चों, तो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे फोर्स। तो एफ नेट क्या होगा आपका? इंटीग्रेशन डीएफ। अरे होगा नहीं होगा? अब बताओ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी होगी? हाँ बोलो। अरे सबसे देखो एक्सट्रीम एंड पर जाना नहीं जाना तुमको, शुरुआत और अंत। तो शुरुआत कहां से होगी एक्स की? सर जीरो टू एल। जीरो टू एल नहीं होगा यार, एल से टू एल। हाँ यहाँ से सबसे छोटा मास कहाँ पर, सॉरी मतलब सबसे आपका पहला मास कहाँ पर आएगा मास एलिमेंट? यहाँ पर। तो क्या डिसेपरेशन हुई? एल। और सबसे दूर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा। क्या है डिस्टेंस? टू एल। अरे है ना टू एल, तो क्या होगा? एल से टू एल। अरे आ गई बात समझ में, क्या होगा? एल से टू एल। अब बच्चे इंटीग्रेट कर लो, बताओ क्या इतना आ रहा है, जल्दी से बताओ। एल से टू एल इंटीग्रेट करो, कितना आ रहा है? वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, क्या आएगा? माइनस वन बाई एक्स। ठीक है जो लोग जल्दी से लिख लो ये पेज में, ठीक है चेंज करूंगा स्लाइड। एक तरीके से पॉइंट और देखो स्फीयर में एक और सिमेट्री देख सकते हो। पॉइंट क्या है बच्चों? अगर एक स्फीयर जो है
को छोटा करते जाओ। अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है? बहुत छोटा स्फीयर। अरे इसका डायमेंशन क्या है? नेग्लिजिबल। अरे ठीक है, तो इसीलिए क्या मान लेते, दोनों को आइडेंटिकल मान सकते हैं, जबकि इसको नहीं मान सकते। अरे आ गई बात समझ में? देखो कितना आ रहा है बच्चों, ये कर लिया होगा अभी तक। अरे आया कि नहीं आया? क्या लिखा है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एल, ये तो बाहर आ गया। ये क्या आ गया? वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से? एल से टू एल। ये बच्चों माइनस वन बाई एक्स को डिफरेंशिएट करो तो आएगा ना वन बाई एक्स स्क्वायर, तो ये इंटीग्रल क्या हुआ? माइनस वन बाई एक्स। अरे ये हुआ ना माइनस वन बाई एक्स, ये क्या हुआ? एल, और ये क्या हुआ? टू एल। या अगर बताया था ना लिमिट उल्टी करते हो तो क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना? तो क्या लिख दोगे? जी कैपिटल एम स्मॉल, चाहे वैसे भी करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ये वन बाई एक्स लिखो तो लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों? चेंज। ऊपर क्या जाएगा, नीचे क्या जाएगा? टू एल। तो क्या आ जाएगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एल इक्वल टू क्या जाएगा? वन बाई एल माइनस वन बाई टू एल। तो क्या होगा ये? इसको 2 बाई 2 ये लिख दो तो क्या आ जाएगा? G कैपिटल M स्मॉल M बाई 2L स्क्वायर। ये आ रहा नहीं आ रहा नेट फोर्स? और वो कितना था बच्चों? G कैपिटल M स्मॉल M अपॉन 3L बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये 9L स्क्वायर बाई 4 आ रहा था। 9 बाई 4 कितना होगा? 2.25, ठीक है। तो डिफरेंस आ रहा नहीं आ रहा? यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? 2 आ रहा है यहाँ पर, 2.25। अरे भाई डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम ये हम नहीं मान सकते थे, ठीक है। अरे आई बात समझ में? हाँ पीछे जा रहा है, नहीं लिखे थे? ये लिख लो एक दो लाइन छोड़ करके। लिख लिया? लिख लो क्या? ये तो बताया था ना लिखने को, इतना देर रुका था मैं। लिख लिया? ये लिख लिया है, ठीक है। देखो तो समझ में आया कि अगर बच्चों लाइन मास है उसमें रेडियल सिमेट्री नहीं थी तो उसको हम पॉइंट मास नहीं मान सकते, बाकी को हम पॉइंट मास मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखो, अगर स्फीयर है बच्चों ना, इसमें रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि इसके सेंटर से, रेडियल मतलब रेडियस, इसके सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पर बच्चों मास रख दे तो क्या ये सिचुएशन आइडेंटिकल होगी? इमेजिन करो तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या इन दोनों में पोजीशंस में? नहीं। अरे गोले को घुमा दो, कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। जबकि
यहां पर अगर तुमने मास का मान लो रॉड रखा है, यहां पर रख रहे हो तो ये सिचुएशन डिफरेंट है, और यहां पर रख रहे हो तो अभी ये सिचुएशन डिफरेंट है, इसमें रेडियल सिमेट्री नहीं है, इसमें है। अरे आ गई बात समझ में? ठीक है, एक और अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। अगर इसमें इस केस में हम मल्टीपल मासेस देख लेते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल मासेस हैं तब ठीक है। अगर मान लो ये तीन बच्चों मासेस रखे हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे गए, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, जो टॉप मास है ठीक है, उस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है ये बताना है, ठीक है। क्या देखो सारे आइडेंटिकल नहीं है? तो अगर एक जगह में कुछ भी बोल देता बी या सी, तब पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है ना, आइडेंटिकल नहीं है तीनों, ठीक है ना। फाइंड, लिख लो, फाइंड फोर्स ऑन मास एट वर्टेक्स ए। डायरेक्शन होती है दोस्त, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। ध्यान देना, डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, एंगल है इसमें। अरे आ गया भाई, देखो ए पर बच्चों जो रखा गया है ठीक है पॉइंट मास, उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है, कौन कौन से मासेस फोर्स लगा रहे होंगे, बी वाले और सी वाले। बी वाला किधर फोर्स लगा रहा होगा, अपनी ओर। अरे ऐसे खींचेगा नहीं खींचेगा बच्चों, ठीक है ना। तो कितना फोर्स लगेगा बताओ, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, स्मॉल एम कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अरे यही होगा, इमेजिन करो, अरे होगा नहीं होगा, ठीक है। और ये भी क्या फोर्स होगा, सेम होगा। अरे ये एफ तो क्या होगा, ये भी एफ। इन दोनों के बीच एंगल कितना बच्चों, 60। अच्छा तो फोर्स किधर से पास होगा, सोचो एकदम बीच से, पैरेललोग्राम लॉ से सोचो। बताया था ना कि फोर्स बच्चों क्या होता है, बिगर मास से करीब होता है, बताया था। बट दोनों मासेस क्या एकदम आइडेंटिकल, तो एकदम क्या होगा, बीच से पास होगा। कितना होगा ये, 30। ये भी क्या होगा, 30। अब चाहे तो नेट फोर्स पता कर सकते हो आराम से। ये एफ है बच्चों, ये क्या है, एफ है। तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा, एफ कॉस 30 इधर आएगा, और इस वाले का भी क्या आएगा, एफ कॉस 30 इधर आएगा, और इधर क्या आएगा, एफ साइन 30। हाँ एफ साइन 30, और इधर क्या आएगा, एफ साइन 30। तो एफ साइन 30 बच्चों अपोजिट है, अरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा सर, टू एफ कॉस 30।
टू एफ कॉस 30, तो कॉस 30 रूट 3 बाई 2 होता तो क्या देगा, रूट 3 एफ आ जाएगा बच्चों। तो रूट 3 जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अभी तुमको बताया था तो कि भाई फोर्स वेक्टर है, जब मैं इंटीग्रेट कर रहा था तो मैंने ये एक्सप्लेन किया था सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, इसीलिए इंटीग्रेट कर पा रहे हो तो फिर से जी एम स्क्वायर, टू जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कह रहे हो। अरे आगे बात समझ में, ओके ध्यान देना किधर लग रहा है बच्चों, ये एकदम सेंटर में लग रहा है, सेंटर की ओर, ठीक है। अच्छा सारे मासेस पर लग रहा होगा, अरे लग रहा नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो ये मासेस मूव करेंगे फोर्स लग रहा है, तो हाँ ऐसा क्या देख रहे हो, फोर्स लगेगा तो मूव करेंगे ना, मोशन कैसी होगी इमेजिन कर पा सकता, मोशन कैसी होगी, इमेजिन करो बच्चों। इसका सर्कम सेंटर जानते हो क्या होता है, सेंट्रोइड ये सब जानते हो, इन सेंटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का सब कुछ सेम जगह होता है, ठीक है। ये किधर लग रहा है फोर्स इमेजिन करो, सेंटर की ओर लग रहा है, और इस पर भी फोर्स उधर लग रहा है सेंटर की ओर, इस पर भी फोर्स उधर लगेगा सेंटर की ओर, ठीक है। तो वास्तव में क्या लग, मतलब इन सेंटर की ओर लग रहा है, किधर लग रहा है बच्चों, इन सेंटर सर्कम सेंटर जो भी कह दो, ठीक है ना। तो सेंटर की ओर जब फोर्स लगता है क्या कहते हैं उसको, सेंट्रीपेटल फोर्स। अरे क्या लगेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। अरे यार ये बात समझ में, तो ये मासेस जो होंगे क्या करेंगे बच्चों, इमेजिन करो ये इधर बल चला गया, तो ये वाला किधर चला जाएगा, इधर, ये वाला किधर चला जाएगा, इधर। अभी भी क्या बनेगा आपका, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सैटानिक साइन है। तो मतलब क्या होगा तुम्हारा, ये सर्कल में ही मूव करेगा तीनों। अरे यार ये बात समझ में, सर्कल में ही मूव करेंगे इनका जो होगा, अगर तुमसे पूछे कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो कैसे बताओगे, नेट फोर्स निकालिए तुमने, किधर लग रहा है तुम्हारा, सेंटर की ओर। देखो रेडियस क्या होगी बच्चों, यही तो होगी, सेंट्रोइड से डिस्टेंस बताया था ना, इन सेंटर सर्कम सेंटर सारे क्या होते हैं सेम। तो यहां पर भाई ये पेरिफेरी पर तो है, और ये क्या तुम्हारा सेंटर, तो ये क्या हुई तुम्हारी रेडियस, अरे हुई कि नहीं हुई। तो सेंटर की ओर जो फोर्स लगने वाला है क्या कहते हैं उसको, सेंट्रीपेटल फोर्स, वो क्या होगा mv square by r। तो वेलोसिटी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, अरे आ जाएगी। तो तुमसे ये भी पूछ सकता कि इस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, तो बताओ रेडियस क्या होगी बच्चों, कैसे कैलकुलेट करोगे। अरे fc तो निकाल लिया ना, कितना आया तुम्हारा, रूट थ्री जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई आर। आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये तुमको पता है बच्चों, ये आपका सेंट्रोइड टू रेशियो वन में तोड़ता है, ठीक है। मतलब इसकी अगर ये लेंथ एल है, ये एंगल क्या है 60, तो बताओ ये पूरा कितना हो जाएगा, एडी कितना हो जाएगा, एल साइन 60, अरे होगा नहीं होगा, मतलब एल रूट 3/2। अब देखो इसको कितने, देखो मुझे ये चाहिए बच्चों ओ ए, क्या चाहिए मुझे ओ ए, OA कितना होगा बच्चों आपका, टोटल को देखो तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, टू रेशियो वन है ना, कितने पार्ट हो गए तीन, हमें कितना लेना है दो, तीन पार्ट टोटल है, इसमें मुझे कितना लेना है दो, तो ये क्या होगा 2/3 AD। ये कितना है ये बताओ, 2/3 × L√3/2। तो देखो ये कट गया बच्चों, क्या जाएगा ये L/√3, तो कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई एल बाई रूट थ्री, तो रूट थ्री ऊपर चला जाएगा, कट जाए नहीं कट जाएगा, तो क्या होगा जी एम बाई एल इक्वल टू वी स्क्वायर, ये आएगा। इमेजिन करो, अरे भाई एल पावर कट कर देगा, ठीक है एम वी क्या करेगा, एक पावर कट कर देगा, तो वी स्क्वायर इतना आया, तो वी कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट में
जी एम भाई। एंगुलर वेलोसिटी पूछता तो क्या करते तुम? हाँ सही बोल रहे हो बट कुछ सेंस हो। अरे भाई पहली बात तो यहां से कर सकते हो v इक्वल टू आर ओमेगा से कर सकते हो, या यहां पे क्या रख दो एम आर ओमेगा स्क्वायर रख दो। अरे एम वी स्क्वायर बाई आर की जगह क्या रख दो एम आर ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपेटल फोर्स ऐसे भी दिखा सकते हैं ठीक है, तो यहां से आ जाएगा ठीक है। छाप लो इसको, इसको लिख लेना, मतलब क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट लिख लेना। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मास ए इफ दे मूव इन सर्कल, इफ मासेस स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स, सो स्टार्ट मूविंग इन इन अ सर्कल ठीक है। अरे आ रही बात समझ में, इफ मासेस स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल, इनको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी तब मूव करेंगे ठीक है। अरे आ रही बात समझ में, इनको कुछ वेलोसिटी, अगर ऐसे ही रख दोगे क्या होगा, ये अल्टीमेटली सेंटर पर जाकर मीट कर जाएंगे। अरे ये भी सेंटर की ओर जाएगा, ये भी सेंटर की ओर जाएगा, ये भी सेंटर की ओर जाएगा, तुम्हें कुछ ना कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी ठीक है। अब ये पूछा है कितनी वेलोसिटी दे दो सर्कल मूव करें, तो क्या होगा बच्चों आपका रूट जी एम बाई एल आएगा ठीक है। अरे बस पीछे कर देना, हाँ एक बार स्लाइड पीछे कर दो। लाइट पीछे करे, पहले ये लिख लो दोस्त कर रहे पीछे। ये तो इसकी पिछली वाली साइड तो काफी देर तक थी। लिख लिया, हो गया सर। हो गया सारे बच्चों को। हो गया बस। कौन चिल्ला रहा है भाई, क्या दिक्कत है बताओ? हो कोई दिक्कत? गया? कहाँ बैठा है? देखो अगर मैं तुमसे कहूँ ठीक है, एक बच्चों अगर मान लो स्फीयर दे रखा है तुमको ठीक है, ध्यान देना जैसे उसमें था ना काट के थोड़ा निकाल लेते थे, अरे सेंटर ऑफ मास से पड़ा था, वैसे इसमें भी है। मान लो एक स्मॉल एम बच्चों मास का रखा है स्फीयर ठीक है। अब एक बड़ा सा स्फीयर देना, ओरिजिनल स्फीयर है बच्चों, मास एम और रेडियस आर है, ओरिजिनल है ठीक है, रिमेनिंग का मास नहीं है, क्या है ओरिजिनल का है। तो अगर क्या किया तुमने, एक आर बाई टू रेडियस का तुमने मास, आर बाई टू रेडियस का तुमने स्फीयर काट के निकाल लिया, मतलब ये डिस्टेंस आर हो गई ना, रेडियस इसकी क्या हो गई बच्चों आर बाई टू ठीक है। तो ये पूछा है कि अभी इस पर कितना फोर्स लगेगा ठीक है। देखो अभी बच्चों पॉइंट मास नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते बताओ? क्योंकि अभी ये काट के निकालने के बाद ये स्फेरिकल बॉडी बची क्या? नहीं, तो हम पॉइंट मास मान करके तो नहीं कर सकते, इवन सेंटर ऑफ मास मान कर भी नहीं कर सकते ठीक है। तो क्या करेंगे जैसे उसमें किया था, अरे उसका कुछ याद है कैसे करते थे उसमें?
पहले बड़ा स्फेयर लेके फोर्स निकाल के एंड छोटा स्फेयर लेके फोर्स निकाल के माइनस कर सकते हैं। हाँ देखो, बड़ा अगर स्फीयर ले लिया तो एक बड़ा स्फीयर बन गया, उसे पॉइंट मास मान सकते हैं। छोटा स्फीयर लिया, अरे ये भी तो क्या स्फीयर है, ये भी इसको पॉइंट मास मान सकते हैं। रिमूव कर दिया मतलब सेपरेट कर दो बस। अरे आ गई बात समझ में, बस। तो बताओ एफ नेट क्या होगा बच्चों, अगर मान लो ये डिस्टेंस क्या है तुम्हारी, 2r है, सरफेस से डिस्टेंस क्या है 2r है, तो एफ नेट क्या होगा बच्चों, एफ बिग माइनस एफ स्मॉल। अरे होगा नहीं होगा, ठीक है। बिगर स्फीयर के लिए क्या होगा, बिगर स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे, और स्मॉलर स्फीयर के लिए क्या होगा, स्मॉलर स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस की देखेंगे, और मास भी डिफरेंट होगा स्मॉलर स्फीयर का, ठीक है। तो बिगर वाला बता दो आराम से, पहले एफ इंटू जी कैपिटल एम, सॉरी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, इसके सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, ये 2r है, ये r है, कितना होगा 3r का स्क्वायर। और छोटे स्फीयर के लिए पहले उसको मास पता करना होगा, तो कैसे करेंगे? हाँ अरे तुम घबरा कह जाते हो, थोड़ी नाक कान थोड़ी काट लेंगे। तो पूरे स्फीयर का मास है में या फिर कटे हुए पार्ट का मास है में? कौन सा भाई मास, पूरे नहीं, सर, पूरे पूरे स्फीयर स्फीयर का मास का। एम है, ओके सर, बताया था ना शुरुआत में, रिमेनिंग का नहीं है। अरे क्या करेंगे, छोटे स्फीयर का मास, मास किसमें डिस्ट्रीब्यूट है, वॉल्यूम में। वॉल्यूम अरे सब किया हुआ है यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सब कुछ में किया ही नहीं किया, क्या करते थे? अरे मास किसमें डिस्ट्रीब्यूट है, तो 4π/3 r³ का मास कितना है m, यूनिट का मास कितना होगा 3m/4π r³, 4π r/2 क्यूब का मास कितना होगा, वैल्यू रखो इसमें, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1/8, 4π/3 r³ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो 4π/3 r³ का मास क्या है, m है, तो 1/8 का मास क्या होगा, m/8। अरे डायरेक्ट बोलना चाहिए भाई, ये तो इसका मास क्या होगा, m/8। तो क्या लिखोगे, जी कैपिटल एम बाई एट, क्यों नहीं लिखोगे, इंटू स्मॉल एम। अब देखो दोनों के बीच की सेंटर की डिस्टेंस क्या होगी, अरे 2r तो पहले से उससे कम कैसे हो सकता है, हाँ 2r+r/2। अरे भाई ये डिस्टेंस होगी ना, इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ये कितनी है r/2, तो क्या होगा बच्चों 2r+r/2 का होल स्क्वायर। अरे आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अरे आई बात समझ में, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है। अरे रिमूव्ड स्फीयर वाला भी आ गया, किसी को डाउट है बच्चों, आसानी से कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट क्यों नहीं किया, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते थे सेंटर ऑफ मास निकाल करके, क्यों? तो पहली बात तो सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट लगता ही नहीं है। अरे सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट लगता ही नहीं है, क्या होता है बच्चों, हमारे पास आपको रेडियल सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। अरे आई बात समझ में, तो मैंने बड़ा स्फीयर माना फिर भी रेडियल सिमेट्री आ गई, छोटा स्फीयर माना फिर भी रेडियल सिमेट्री आ गई, दोनों सबट्रैक्ट कर दिए। डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, सेंटर से लेंगे, ठीक
लिख लिया। अरे वो लिखने की जरूरत नहीं, उधर वाला तो पता होना चाहिए। डायरेक्ट बोलो 1/8 वॉल्यूम है तो मास 1/8 होगा। अरे अभी काफी देर से पढ़ रहे हो, साल कंप्लीट होने वाला है। लिख लिया ऑनलाइन वाले बच्चों, लिख लिया? ठीक है, इन्हें डालते बच्चों। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड पहले लिखो, इंटेंसिटी वर्ड का ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है बच्चों? देखो इससे पहले मतलब आप समझो फील्ड फोर्सेस क्या होते हैं बच्चों। दो टाइप के फोर्सेस आपने पढ़ा होगा, एक तो फील्ड फोर्सेस होते हैं, दूसरा बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जो सिर्फ कॉन्टैक्ट होने पर लगे। ठीक है ना, मान लो पार्थ मैं तुमको थप्पड़ मारूं तो हवा से यहां से थप्पड़ तो भेज नहीं सकता, कॉन्टैक्ट होना चाहिए उसके लिए, तो वो कौन सा फोर्स होगा? कॉन्टैक्ट। और नॉर्मल लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन आएगी। ठीक है, तो वो क्या हुआ बच्चों? कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन के लिए क्या चाहिए? कॉन्टैक्ट चाहिए, तो वो क्या हुआ? कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हुआ? कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। फील्ड फोर्सेस बच्चों उनके लिए कॉन्टैक्ट होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम छत से कूद जाओ तो अर्थ और तुम्हारे बीच कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तभी फोर्स लगेगा अर्थ का, कि पहले से ही लगेगा? पहले से ही लगेगा। दो मैग्नेट है मान लो, क्या होगा बच्चों? इनके बीच कांटेक्ट होना जरूरी है तभी फोर्स लगेगा? नहीं, दूर भी रखें फिर भी लगेगा। दो चार्जेस है, क्या इनके बीच कांटेक्ट होना जरूरी है तब फोर्स लगेगा? ये सारे क्या है बच्चों? फील्ड फोर्सेस है। क्या है? फील्ड फोर्सेस है। तो एक फील्ड में लगते हैं, मान लो इसी मैग्नेट को बहुत दूर लेकर चले जाओ तो लगेगा क्या? नहीं, फोर्स लगेगा। बट मान लो अर्थ के भी बहुत दूर चले जाओ तो अर्थ का भी फोर्स नहीं लगेगा। तो एक रीजन में लगते हैं बच्चों, एक रीजन में लगते हैं, उसी रीजन क्या कहते हैं, उसी फील्ड को क्या कहते हो? अगर मान लो मैग्नेटिक फोर्स हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ग्रेविटेशन फोर्स हुआ तो क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। ये तीनों बच्चों आते हैं, तीनों में भी आइडेंटिकल कंसेप्ट पढ़ते हो। ठीक है ना, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, इसमें ग्रेविटेशनल फ्लक्स आएगा, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। तीनों क्या है? ये सारे आइडेंटिकल है। ये क्या है? फील्ड फोर्सेस है। तो सिमिलर कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो फील्ड क्या हुआ बता सकते हो आप? इमेजिनरी लाइंस नहीं, मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ भाई? जिस एरिया में ग्रेविटेशनल फोर्स लगे। ठीक है ना, अरे समझ पा रहे ना? एरिया इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, या एरिया अराउंड मास कह दें। अगर मान लो किसी मास की फील्ड हम देख रहे हैं, ठीक है ना, देखो ऐसे उसको समझते हैं कि भाई अर्थ जो है ना, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, फील्ड फोर्सेस को समझते कैसे हैं? जरूरी नहीं कॉन्टेक्ट होना। तो कहते क्या है कि अर्थ बच्चों एक फील्ड जनरेट कर रही है अपने चारों ओर। ठीक है ना, समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई एरिया का गुंडा है, ठीक है ना, जरूरी थोड़ी अगर मान लो कि वो जाए तभी हफ्ता वसूली हो। ठीक है, आदमी क्या होगा, मान लो अगर उसका दबदबा है तो क्या करेगा? पहले ही रखकर चला जाएगा पैसा, ये आकर उसको दे देगा। तो यहाँ पर यही है बच्चे, इसका दबदबा है, कुछ रीजन में इसका दबदबा है। इस रीजन में अगर कोई भी मास आएगा तो इस पर ये फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, अरे यार ये बात समझ में? तो क्या कहते हैं, ये फील्ड क्रिएट किया हुआ है, अपनी दबदबा क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, बहुत दूर चले जाओगे इसके रीजन के बाहर चले जाओगे, कोई दूसरा गुंडा होगा उधर, उसका फील्ड आएगा। अरे आई बात समझ में? ठीक है, तो मास के चारों ओर का वो एरिया, अगर किसी मास की फील्ड इंटेंसिटी बात कर रहे हैं, मान लो कोई किसी गुंडे का एरिया देख रहे हैं, तो
तो वो एरिया जहां पर उसका दबदबा चल रहा है, मतलब वो एरिया जहां पर दूसरे मासेस पर ये फोर्स लगाएगा, वो क्या हुआ उसका? ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ। ठीक है, लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए मास, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए मास कैन बी डिफाइंड एज एरिया अराउंड मास, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए मास कैन बी डिफाइंड एज एरिया अराउंड मास, एरिया अराउंड मास इन विच इट एक्सर्ट्स फोर्सेस ऑन अदर मासेस, इन विच के बाद इन विच इट एक्सर्ट्स, एक्सर्ट मतलब लगाना, इन विच एक्सर्ट या अप्लाई कुछ भी कह दो, EXERT ऑन अदर मासेस। ठीक है, अरे आगे बात समझ में। तो क्या ये बच्चों कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या? इमेजिन करो, नहीं कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं। ठीक है, अगर मान लो बच्चों ज्यादा तगड़ा गुंडा है, ज्यादा बड़ा मास है, ज्यादा फोर्स लाइन नहीं लगेगा। अरे भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता नहीं होता। तो अगर मास बड़ा होगा, समझ पा रहे हो ना, तो उसका फील्ड भी क्या होगा बच्चों? ज्यादा आएगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा। बट इस ये तो सिर्फ रीजन बता रहा, नहीं बता रहा, ये तो सिर्फ एरिया बता रहा है। कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये तो नहीं बता रहा है। ये तो फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। इसके लिए बच्चों को फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करना होता है। क्या कहते हैं उसको? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड कितना इंटेंस है बच्चों? अरे यार ये बात समझे, बड़ा मास होगा तो फील्ड क्या होगी? ज्यादा इंटेंस होगी। छोटा मास होगा तो फील्ड क्या होगी? कम इंटेंस होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हेड इन डाल लो। अगला देखो, अगर मान लो कोई मास है बच्चों, ठीक है, ना इस मास की फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है, तो फील्ड ज्यादा कब होगी सोचो? जब हाँ मास ज्यादा होगा। मास ज्यादा होने से क्या होगा? ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा, राइट? अरे समझ पाए, नहीं समझ पा रहे हो? तो वास्तव में फील्ड इंटेंसिटी कैसे आएगा? फोर्स से आएगा बच्चों। ज्यादा फोर्स लग रहा है तो फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब दूसरा मास भी आना चाहिए। ठीक है, तो देखो कंपेयर मुझे सिर्फ ऐसा करना है, ये कितना है, ठीक है ना, ये कितना फील्ड जनरेट कर रहा है। तो दूसरा मास बच्चों हम कंपेयर करने के लिए क्या लेंगे? यूनिट ले लेंगे। और दूसरा मास क्या ले लेंगे? यूनिट मास ले लेंगे, जिससे कंपेयर हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर तुम कह रहे हो सर ये दूसरा m बाई टू मास ले लिया, ठीक है, इसकी फील्ड कम आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? कम आनी चाहिए। बट तुम कह दो सर यहाँ पर मैं 3 kg का मास रख दूँ तो फोर्स तो ज्यादा नहीं आएगा। अरे फोर्स तो ज्यादा होगा इन दोनों के बीच का, क्योंकि मासेस का प्रोडक्ट क्या है? ज्यादा है। तो भाई ना इंसाफी हो रही नहीं हो रही उस वाले के साथ, क्योंकि मेरे पास तो तुम कह रहे हो सर 1 kg का रखो, यहाँ पर 3 kg का रख रहे हो, तो क्या करोगे? यहाँ भी क्या रखना होगा बच्चों? बंद कर दो इसको। क्या रखोगे? 1 kg का। मतलब अब देखो क्या होगा, यूनिट मास पर कौन ज्यादा फोर्स लगेगा? वो वाला। समझ में नहीं, समझ में आ रहा? मुझे देखना किसका था सर? मास का देखना था। तो यूनिट मास पर जो फोर्स लग रहा है वही क्या होगा तुम्हारा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल सा डेफिनेशन, बहुत ही आसान सा। यूनिट मास पर कोई भी मास कितना फोर्स लगा रहा है वही क्या हुआ उस मास का? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हुआ। ठीक है ना? ओके, लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन यूनिट मास, इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन यूनिट मास, फोर्स ऑन यूनिट मास
kept at that point. देखो बच्चों, अगर मान लो तुमने एम के जी का रखा, सपोज एफ जी फोर्स एक्ट्स ऑन एम के जी एट ए पॉइंट, तो बच्चों अगर मुझे फील्ड इंटेंसिटी पता करना है उस पॉइंट पर, तो क्या करोगे? यूनिट मास पर कितना लग रहा है वही पता करोगे। तो एम पर कितना लगा बच्चों? एफ जी लगा। तो यूनिट पर कितना लगेगा? एफ जी बाई एम। यही क्या होगा बच्चों? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसको ईजी लिखते हैं बच्चों, वेक्टर, देखो वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि है तो क्या है बच्चों? फोर्स एक नहीं है। अरे फोर्स ऑन यूनिट मास एक नहीं है, तो है तो फोर्स ही, तो वेक्टर क्वांटिटी ये भी होगी। तो ये क्या होगा? ईजी। ठीक है, नोट में क्या लिखोगे बच्चों? ये क्या है? एक, अरे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर केजी। न्यूटन पर केजी। ठीक है, लिख लिया। सपोज एफ जी फोर्स एक्ट्स लिखना है बच्चों यहां पर, एक्ट्स, एक्ट्स ऑन एम के जी एट अ पॉइंट। ठीक है ना, देन बच्चों क्या होगा? एम के जी पर कितना लग रहा है? एफ। तो वन के जी पर कितना लगेगा? एफ जी बाई एम। वो क्या होगा? ई जी हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया अभी तो? लिख लिया होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपसे कि यूनिट मास, सॉरी पॉइंट मास के कारण अगर आपको फील्ड पता करनी है, देखो अब फील्ड जब बोलूंगा तो फील्ड इंटेंसिटी समझना, क्योंकि वही तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। अरे जब फील्ड बोलूँ तो क्या समझोगे? फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, बोलने का तुम्हारी बुक में भी क्या लिखेगा, क्वेश्चन में भी क्या लिखेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड पूछेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, लिख लो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। मान लो एक कोई बच्चों मास है, ठीक है, इसके कारण r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है, इस पॉइंट पर तुमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, तो क्या करोगे बच्चों? ये निकालना तुमको, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट p, क्या करोगे? हाँ, अरे भाई क्या रखोगे? पी पर वन के जी का मास रखोगे। अरे रख दो बच्चों वन के जी का मास, तो ई क्या आएगा बच्चों? की जी इंटू कैपिटल एम इंटू वन बाई आर स्क्वायर। अरे आ नहीं आ गया? अब ये तो बच्चों स्केलर फॉर्म आया, नहीं आया? ठीक है, डायरेक्शन किधर होगी? किधर खींचेगा? हाँ, डायरेक्शन किधर होगी बच्चों? इधर होगी। अरे यही होगी ना, ये कौन सा? ठीक है ना, अब r वेक्टर के फॉर्म में बताओ क्या होगा ये? प्लस r की माइनस r? माइनस r। अरे भाई प्लस r तो ये हुआ नहीं हुआ बच्चों? तो ये क्या हुआ तुम्हारा? माइनस r। अरे ये क्या हुआ? माइनस r। तो अगर मुझे देखो वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा बच्चों, तो क्या लिखूंगा मैं? जी एम बाई आर स्क्वायर माइनस आर कैप
अरे यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आर कैप। और आर कैप क्या लिख सकते हो आप, अरे आर वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, लिखते तो नहीं लिखते, तभी तो यूनिट वेक्टर बनता है। तो क्या आ जाएगा ये, माइनस जी एम आर बाई, सॉरी स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म होंगे। देखो बच्चों जनरली क्या होता है, अब देखो ये फॉर्म नहीं यूज करोगे, तुम यही यूज करोगे डायरेक्शन, तुमको पता है अट्रैक्शन होता है, अरे फोर्स की डायरेक्शन अट्रैक्टिव होती है, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी अट्रैक्टिव, ठीक है, आराम से कैलकुलेट कर लोगे। अरे यार ये बात समझ में, एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं जो अभी पिछला किया था, उसमें बता देना आराम से भी। बच्चों यहां तक कोई दिक्कत है बता दो, ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज बताओ कोई दिक्कत है यहां तक। अरे भाई अंश ध्वनित श्रेय जतिन माही बता दो भाई, लिख लिया। लिख लिया अगर तुमसे कहूं मैं यहां पर अगर मास है, दो मास रखे गए हैं बच्चों, ठीक है, ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ए पर आपको बताना है ई ए, बताओ क्या होगा, डायरेक्ट बोलो। अरे भाई दूसरे वाले को 1 kg कर दो बस, क्या जाएगा जी एम बाई एल स्क्वायर। अरे भाई यहां पर क्या रख दो बच्चों, अरे 1 kg रख दो, तो फोर्स क्या आएगा आपका जी एम बाई एल स्क्वायर, अरे ये तो होगा ना फोर्स बच्चों, ठीक है ना, और क्या आएगा नेट 2f cos 30 नहीं आएगा, e ड्यू टू 1 कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, अरे ये e ही है ना फोर्स ड्यू टू ऑन यूनिट, तो e नेट कितना आएगा बच्चों, अरे बोल दो 2e cos 30, अरे आएगा नहीं आएगा, अभी तो किया था, कितना आएगा √3 gm/l2, अरे आएगा नहीं आएगा √3 gm/l2। EO कितना होगा, क्वेश्चन लिख लो पहले, EO कितना होगा, क्या बता सकते हो जो फोर जो अभी तुमने निकाली डायरेक्शन, ठीक है ना, EO वही मतलब देखो जो डायरेक्शन होगी वो तीनों जगह मतलब जो तीनों के कारण आएगा, ठीक है, वो किधर आएगा बच्चों, सेंटर के अलावा आएगा, सॉरी मतलब देखो ये किधर खींचेगा बच्चों, अगर 1 kg का रख दो मास तो किधर खींचेगा अपनी ओर, और ये किधर खींचेगा अपनी ओर, और ये किधर खींचेगा अपनी ओर, तीनों आइडेंटिकल होंगे, समझ पा रहे हो, ये तो ये ई मान लो ऊपर लग रहा है, ये ई किधर लग रहा है इधर, और ये ई किधर लग रहा है इधर, तीन वेक्टर ऐसे हैं तो कितना होता है सम, जीरो, अरे होता ही नहीं होता, कराएगा कि नहीं कराया गया,
तो कितना होगा ये, अरे सारे 120 होंगे ना, तो कितना आएगा ये, जीरो। बताया था अगर पेंटागन भी आ जाए, पेंटागन वाला भी कराया था, कितना आएगा तुम्हारा, जीरो। क्यों आता था जीरो, क्यों आता था? अरे इसको ऐसे रख सकते थे, याद है, ट्राइंगल के साइड स्केल अलोंग रख सकते, या एक क्लोज्ड पॉलीगन के साइड स्केल अलोंग रख सकते थे। अरे भाई सम क्या होता था, शुरुआती और इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, शुरुआत और इनिशियल क्या है, सेम है, तो नेट कितना आ गया, जीरो आ गया। अरे भाई इसमें देख लो, हर एक वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 120 है, दोनों हेड या दोनों टेल के बीच की देखते हैं, तो ये दोनों क्या आ गया, हेड सॉरी दोनों का टेल आ गया, तो क्या होगा 120। यहां भी क्या होगा बच्चों, 120, यहां भी क्या होगा 120। तो इसको ऐसे रखते नहीं रह सकते, अरे समझ पा, नहीं समझ पा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आता है, तीन अगर बच्चों क्वेश्चन आता है, तीन अगर नॉन प्लानर वेक्टर्स है तो उनका कभी सम जीरो हो सकता है क्या, तीन अगर नॉन प्लानर वेक्टर्स है ठीक है, ऐसा समझ सकते हो, दो वेक्टर तो हमेशा प्लेन में होंगे, तीसरा उस प्लेन में नहीं है, ठीक है, कभी उनका सम जीरो हो सकता है क्या, क्यों, अरे ट्राइंगल बन सकता है क्या कभी, अरे ट्राइंगल ऐसा बन सकता है क्या, नहीं, तो उनका सम जीरो आ सकता है क्या, नहीं, अरे भाई ट्राइंगल तो 2D है ना, जब प्लेन में तीनों आ ही नहीं सकते तो उनका सम जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है, अरे आगे बात समझ में, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे अगर आएगा तो, ऐसा क्वेश्चन होगा डेफिनेटली, कोई लाया मॉड्यूल, ठीक है ना, निकालो मैं बता रहा हूँ, होगा जरूर। इसमें नहीं दे रखा यार, चलो मतलब आ जाए तो कर लोगे ऐसे, ठीक है, आता है क्वेश्चन, अरे कुछ, हाँ हाँ कौन से पेज पर, 158 कहाँ दिया है, कौन से पेज पर, अच्छा मैं गलत देख रहा था, 158 यहाँ पर यार नंबरिंग अलग गड़बड़ हो गई है पेजेस की, कहाँ कौन सा, अच्छा हाँ मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वही, ठीक है, अरे यहाँ पर क्या दे रखा है कि तीन फोर्सेस, तीन मासेस आपके वर्टिसेस पर रखे गए हैं, तो यहाँ पर अगर कोई मास रख दिया गया तो उस पर कोई फोर्स आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, बराबर हो जाएगा अरे भाई ई क्या था तुम्हारा, एफ वाई एम था कि नहीं था, एफ क्या हो गया, एम इंटू ई, अरे हुआ कि नहीं हुआ, तुम ऐसे उल्टा क्या बोलते हो यार, तो अगर मास तो जीरो है नहीं, अगर ई जीरो हुआ तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना, अरे आ गई बात समझ में, वास्तव में क्या है, ई क्या है बच्चों, 1 kg पर कितना लगने वाला फोर्स है, समझ लो ई क्या है, 1 kg पर कितना लगने वाला फोर्स है, एम के जी पर कितना रहेगा, एम इंटू ई, ठीक है, अरे आई बात समझ, देखो एक होता है बच्चों फील्ड लाइंस का कंसेप्ट, कभी किसी ने सुना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 10th में, अरे पढ़ा है,
अरे ऑनलाइन वाले बच्चों पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? हाँ सर, इलेक्ट्रिसिटी में ना। हाँ, किस लिए पढ़ा था? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो बता सकते हैं ना वेक्टर फॉर्म में, या सॉरी ग्रेविटेशन फील्ड की स्ट्रेंथ बता सकते हैं ना अभी। हमने वेक्टर डिफाइन कर लिया ना एक, ठीक है, तो फील्ड लाइंस क्यों यूज कर रहे हैं? पास पता कर नहीं। देखो वास्तव में क्या हुआ, ये बच्चों बहुत लेंदी तरीका है पता करने का। अगर मान लो कोई, देखो कोई फील्ड है, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ, मान लो कोई फील्ड ले लिया, उसमें इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, समझ पा रहे हो ना? अगर उनको देख रहे हैं फील्ड कहां पर बच्चों कम हो रही, कहां पर ज्यादा हो रही है, किधर किस डायरेक्शन में, किधर किस डायरेक्शन में है, तो उसके लिए अगर तुमको इस क्वांटिटी का यूज करना पड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी का, तो बहुत दिक्कत होगी। तुम क्या करोगे, तुम टेबल बनाओगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखोगे कॉलम में, फिर क्या लिखोगे उस पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उससे तुम समझ पाओगे क्या? नहीं। तो तुमको अगर कोई रीजन में तुमको डायग्राम बनाकर दे दिया जाए, समझ पा रहे हो, तो डायग्राम से क्या समझ सकते हो, आराम समझ सकते हो। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में क्या था बच्चों, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है, क्या कहते थे, फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। अरे यार समझ पा, समझ में। और टेंजेंट से क्या करते थे तुम, डायरेक्शन पता कर लेते थे। इसमें भी क्या होगा, सेम है। अरे इसमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, सेम है कंसेप्ट, ठीक है सब कुछ, क्योंकि वो भी क्या है, फील्ड फोर्स है, ये भी क्या है, फील्ड फोर्स, ठीक है। हेडिंग डाल लो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। अब देखो ये लिखाया नहीं जाता, बट मैं तुमको गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताऊंगा, उसमें यूज होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था, तो वैसे इसमें आपका ग्रेविटेशनल फ्लक्स आएगा, कोई बात नहीं। अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा था ना, ठीक है ना, लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। ध्यान रहे डेफिनेशन नहीं आएगा बच्चों कहीं भी ये, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाँ पहला इमेजिनरी कर्व्स होता था, ठीक है ना, क्योंकि भाई वास्तव में तो एग्जिस्ट करता नहीं है। अरे हम अपनी, ठीक है ना, समझने के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये इमेजिनरी कर्व्स होंगे, सच दैट टेंजेंट अगर खींच देंगे इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन तो क्या बताएगा बच्चों, डायरेक्शन और डेंसिटी क्या बताएगा, या स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड, ठीक है। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया? अरे जैसे मैं जैसे मैग्नेटिक फील्ड कर रहे थे वैसे ही इसमें भी करना है, ठीक है, लिख लो। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स सच दैट ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व सच दैट टेंजेंट टू फील्ड लाइन, इमेजिनरी डायरेक्टेड कर्व्स लिखा है, इमेजिनरी डायरेक्टेड कर्व्स, डायरेक्टेड कर्व मतलब इसमें डायरेक्शन बनी होती है, ठीक है, इमेजिनरी डायरेक्टेड कर्व्स सच दैट टेंजेंट टू फील्ड लाइन, सच दैट टेंजेंट टू फील्ड लाइन इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, टेंजेंट टू फील्ड लाइन इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट, इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट एंड डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इंडिकेट, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट इंडिकेट, एंड डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। टेंजेंट क्या करती है, डायरेक्शन बताती है,
और डेंसिटी क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जहां पर ज्यादा होगी बच्चों वहां पर क्या होगा, फील्ड ज्यादा होगी। ठीक है, अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ पॉइंट मास, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन ड्यू टू पॉइंट मास बताना है बच्चों, तो कैसे ड्रॉ करोगे? ध्यान देना, अब एक क्वेश्चन सिर्फ पॉइंट मास या स्फीयर का आएगा, फील्ड लाइंस, ठीक है ना, उसी का यूज पड़ेगा और नहीं पड़ेगा। तो कैसे होगा बच्चों बताओ, मान लो तुमने पॉइंट मास ले लिया, कैसे करोगे यार? कुछ बोल रहा है, अरे कुछ बोलो, टेक्निकल बोल रहे टर्म, अरे रेडियल कैसे होगा? ऐसे देखो, यहां पर 1 kg रख दो, किधर अट्रैक्ट करेगा? इधर। यहां पर रख दो सेम डिस्टेंस पर, किधर अट्रैक्ट करेगा? इधर। सेम डिस्टेंस पर रख दो, किधर अट्रैक्ट करेगा? इधर। तो क्या होगा, ये सर्कल नहीं बनेगा, सर्कल नहीं बन रहा है, ये सर्कल थोड़ी है। अरे फील्ड लाइंस क्या है देखो, स्फीयर की रेडियस के अलोंग है, इसलिए बनाया था मैंने। स्फीयर नहीं है, स्फीयर तो तुमको समझाने के लिए बताया था कि ये क्या है, स्फीयर की रेडियस के अलोंग है। तो फील्ड लाइन क्या हुई, रेडियल हुई, स्फेरिकल नहीं हुई, क्या हुई, रेडियल। अरे भाई 3D है कि नहीं है, इमेजिन करो, इधर भी होगा, इमेजिन कर पा रहे हो, इधर भी होगा, मान लो ये पॉइंट मास मान लो, मान लिया इधर भी सेम, 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 तो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस के अलावा। तो बच्चों शेप क्या होगा तुम्हारा, या शेप ही सब, क्या कहते हो, शेप नहीं कहोगे, क्या कहोगे, ओरिएंटेशन कहोगे ना, क्या होगा तुम्हारा, रेडियल। अरे क्या होगा बच्चों, रेडियल अलोंग द रेडियस। अब देखो इसीलिए देखो, स्फीयर में बच्चों क्या था, स्फीयर भी लोगे क्या होगा, स्फीयर बड़ा पॉइंट है तो उसमें भी क्या शेप आएगा तुम्हारा, अरे फील्ड लाइंस का शेप क्या आएगा तुम्हारा, रेडियल। अरे उसमें भी क्या आएगा, फील्ड लाइंस का शेप, रेडियल। ठीक है, इसीलिए क्या होते थे, दोनों को आइडेंटिकल लेते थे। ठीक है, अरे आ गई बात समझ में। ठीक है, इसको बना लेना, स्फीयर मत समझना क्या है, रेडियल है। ठीक है, स्फीयर ये समझने के लिए बनाया था कि स्फीयर का रेडियस के लॉन्ग। क्लियर, अब देखो ये वर्ड बच्चों मुझे किसी बुक में मिला नहीं है, बट क्योंकि हर सारे फील्ड फोर्सेस में होता है तो इसमें भी होगा, ग्रेविटेशनल फ्लक्स। ठीक है, ध्यान देना, कोर्स में नहीं है ना, जेई मेन से कोर्स में, जेई एडवांस से कोर्स, बट हमको समझने के लिए जरूरी होगा ये। ठीक है, देखो फ्लक्स क्या होता है बच्चों, पार्थ इधर आ जाओ, डाउट, हाँ फ्लक्स बच्चों एनर्जी बताने के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, एनर्जी बताने के लिए। ग्रेविटेशनल फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल एनर्जी बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो, अगर मान लो पार्थ इधर है, ठीक है, अगर मान लो ऐसे मार रहा हूं इसको, ठीक है ना, कैसे मार रहा हूं, इसके सरफेस से क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है तो फोर्स लगेगा, बट अगर मान लो टेंजेंशियल ऐसे टच करूं तो क्या लगेगा, क्या इस पर नहीं, अरे यार ये बात समझ में। तो अगर मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है बच्चों, ठीक है, जितनी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास होंगी वो क्या बताएगा तुम्हारा, कितनी एनर्जी पास हो रही है, समझ पाए, नहीं समझ पा रहे हो भाई, कितनी एनर्जी पास हो रही है। बट अगर तुम्हारी टेंजेंशियल बच्चों पास हो रही है तो वो एनर्जी उस एरिया से पास हो रही है क्या, नहीं, अरे वो तो टच करती हुई जा रही है,
मान लो इसको टच करते हुए मारूं तो इस पर लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, बट अगर नॉर्मल अगर मारूं तो लगेगा। तो यहाँ पर अगर बच्चों फील्ड लाइंस क्या हो रही है, अगर नॉर्मल जा रही है, ऐसे जा रही है नॉर्मल, तो वो क्या होगा उस एरिया से जो एनर्जी जा रही है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगी, अदरवाइज कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी। ठीक है, तो फ्लक्स क्या है बच्चों, उसी का मेजर है, एनर्जी का ही मेजर है जो उस एरिया से पास हो रही है। अरे आई बात समझ में? तो देखो ग्रेविटेशनल फ्लक्स में बच्चों हम उन फील्ड लाइन्स को कैलकुलेट करते हैं जो एरिया के परपेंडिकुलर पास हो रही है। सारी फील्ड लाइन्स से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, जो एरिया के परपेंडिकुलर पास हो रही है। अरे आई बात समझ में? ठीक है ना, तो ग्रेविटेशनल फ्लक्स थ्रू, लिखो ग्रेविटेशनल फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन्स पासिंग नॉर्मल टू गिवन एरिया, नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन्स पासिंग नॉर्मल टू गिवन एरिया। नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन्स पासिंग नॉर्मल टू गिवन एरिया, ग्रेविटेशनल फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन्स पासिंग नॉर्मल टू गिवन एरिया। नॉर्मल वर्ड क्यों यूज किया गया है? हाँ, परपेंडिकुलर क्यों यूज हुआ? क्योंकि मुझे एनर्जी से मतलब है, कितनी एनर्जी उससे पास हो रही है। टेंजेंशियल एनर्जी बच्चों उस एरिया से, उस सरफेस से पास नहीं हो रही, इसीलिए उसको इंक्लूड नहीं करते। मैग्नेटिक फ्लक्स में भी सेम बात थी, उसमें क्या हुआ, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्मल पास हो रही है, समझ पा रहे ना, इसीलिए वर्ड नॉर्मल यूज होता है। इंटेंसिटी पढ़े, इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ा है, क्या होता है? हाँ मतलब कुछ थोड़ा उसमें देखो, एनर्जी पासिंग नॉर्मल टू गिवन एरिया पर यूनिट टाइम, तो डेंसिटी भी क्या बताता है बच्चों, उस सरफेस से कितनी एनर्जी पास हो रही है, समझ पा रहे, समझ पा रहे हो? और कौन सी एनर्जी, तो नॉर्मल पास हो रही है। ठीक है, ये एनर्जी बच्चों कंट्रीब्यूट करती है सरफेस की ऑसिलेशन में, सरफेस के कितना एनर्जी पास हो रही है। तो अगर मान लो, अच्छा एरिया पता होता है बच्चों तुमको, दो एरिया होते हैं, एक तो ओपन एरिया होता है, ये तो क्या होता है तुम्हारा ओपन एरिया सरफेस कहते हो, दूसरा होता है बच्चों क्लोज सरफेस। ध्यान देना ये 3D है, क्या बच्चों, ये क्लोज्ड सरफेस, ये क्या है तुम्हारा, 3D है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये दिख रहा है कंचा भी, ये क्या है तुम्हारा, जो सरफेस क्या है तुम्हारा, क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस मतलब ये वॉल्यूम इनक्लोज कर रहा है बच्चों, क्या कर रहा है, ये वॉल्यूम इनक्लोज कर रहा है। ये भी क्या है बच्चों तुम्हारा, है क्लोज सरफेस है, बॉटल भी क्या है, क्लोज सरफेस है। ये क्या है आपका, पानी इसके अंदर है, इसके अंदर क्या कंचे हैं। ठीक है, अगर इसके थिकनेस को नेग्लिजिबल मान लें, ठीक है, थिकनेस को नेग्लिजिबल मान लें, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये ओपन सरफेस हो जाएगा, ये वॉल्यूम इनक्लोज नहीं कर रहा है। अब देखो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अरे ट्रायंगल के एरिया देखा तो नहीं, देखा था बच्चों हमने लास्ट क्लास में, अरे देखा था ना, हाफ ए क्रॉस बी लिखा था, नहीं लिखा था, तो ये क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। अगर मान लो एक वेक्टर बच्चों ये है और एक वेक्टर क्या है ये, ए क्रॉस बी किधर आएगा बताओ, अरे ट्रायंगल बना रहे हो, नहीं बना रहे बच्चों, अरे बन गया ट्रायंगल तुम्हारा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन वही क्या होगी, एरिया की डायरेक्शन होगी, ही होता है, तो क्या होगा एरिया की डायरेक्शन, अरे करो क्या करोगे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन के लिए, ए की डायरेक्शन में मुड़िया और किधर मुड़ोगे, बी की डायरेक्शन में, तो क्या आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। अब बी क्रॉस ए भी लिख सकते हो, लिख सकते नहीं सकते, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, इमेजिन करो। तो अगर ओपन एरिया है ना बच्चों,
तो या तो सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगा या सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की होगा, दोनों की ओर वैलिड होता है। अब क्लोज सरफेस में क्या होता है, मान लो स्फीयर है बच्चों, क्या तुम्हारा स्फीयर है, तो सरफेस पर परपेंडिकुलर कैसे होगा बच्चों? अरे भाई बताया था ना अभी, इसको क्या मान लो, छोटे छोटे प्लेन सरफेस मान सकते हो, अरे मान सकते हो छोटे छोटे प्लेन सरफेस, तो क्या होगा इस पर डायरेक्शन बच्चों? ध्यान देना, अभी जो है जो एरो की डायरेक्शन किधर आनी चाहिए, एरिया की डायरेक्शन सरफेस के बाहर निकलना चाहिए, किधर जाना चाहिए बच्चों, सरफेस के बाहर। इसमें क्या हो सकता है, इसमें अंदर बाहर कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो प्लेन सरफेस है, सच पा रहे हो, इसमें थोड़ी होना हो सकता है कि भाई ये डायरेक्शन लेंगे ये नहीं लेंगे। इसमें क्या है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर इधर होगी बाहर की ओर। फॉर एग्जाम्पल ये अगर बॉटल है, ठीक है ना, तो इसमें यहां पर अगर मान लो तुमको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पता करना है तो क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, टिप दिख रहा है ना, ये क्या होगा बाहर, ये डायरेक्शन नहीं होगी, क्या होगी सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। बट अगर प्लेन सरफेस है तो उसमें तो भाई अंदर बाहर कुछ कह नहीं सकते, तो ये भी डायरेक्शन हो गई और ये भी डायरेक्शन हो गई, कोई से भी ले सकते हो। अरे इसमें क्या ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, अरे आई बात समझ में, ठीक है। तो दो बच्चों आपके सरफेस होते, तो क्या होता है क्लोज सरफेस, दूसरा ओपन सरफेस। हमको इसका यूज करना है, ठीक है, हमको फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया पता करना है, ठीक है, हमको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अरे तभी तो करोगे भाई, एरिया के नॉर्मल है या एरिया के टेंजेंशियल है, ठीक है। अगर मान लो तुमको एक गिवन एरिया है बच्चों, ठीक है, लिखो फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया ए, फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया ए, वेक्टर लिखना, फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया ए इज डिफाइंड एज, फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया ए इज डिफाइंड एज मिनियंस, देखियो मिनियंस वाली मूवी, जैसे बच्चे बोल रहे हैं ना उसी तरह आवाज, देखो सुना ही नहीं इसमें, फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया ए इज डिफाइंड एज, ग्रेविटेशनल फ्लक्स की बात कर रहा हूँ बच्चों, वो क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा eg डॉट ए, अरे क्या होगा eg डॉट ए, eg क्या है बच्चों तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना, ए क्या है तुम्हारा एरिया वेक्टर। अब देखो ये एनर्जी कैसे बता रहा है बच्चों, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना क्या होगी फील्ड, अरे भाई उतनी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा पास होगी, और जितना इंटेंसिटी ज्यादा होगी ग्रेविटेशन फील्ड की उतनी एनर्जी ज्यादा पास होगी, दोनों के प्रोडक्ट क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट क्यों आ रहा है ये भी सोचो, अरे डायरेक्ट प्रोडक्ट क्यों नहीं लिखा बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, मान लो मैग्नीट्यूड में लिख देता ना, ये तो स्केलर आ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यों नहीं लिखा, इधर आ जाओ पार्थ, तुम आगे ही बैठा करो, अकेले तुम यूजफुल आदमी, ठीक है पकड़ो इसको, ठीक है। देखो बच्चों ऐसे करो, दिख रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों, अब उनको नहीं दिख रहा, हाँ ऐसे दिख रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों, ठीक है। देखो ये मान लो एरिया है, ठीक है ना, ये क्या तुम्हारा एरिया वेक्टर, ऐसा मान सकते हो ये एरिया वेक्टर, तुमको क्या चाहिए बच्चों, कौन सी फील्ड लाइन चाहिए जो नॉर्मल गुजर रही हो, जो एरिया वेक्टर के अलोंग, परपेंडिकुलर नहीं, एरिया के परपेंडिकुलर या एरिया वेक्टर के अलोंग, तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या बताएगा बच्चों, ई जी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ये तो होगा। तो अगर मान लो ई जी ऐसे बच्चों, ये एरिया क्या तुम्हारा एरिया वेक्टर, इनके बीच एंगल क्या है थीटा, तो वास्तव में तुम क्या लिख रहे हो उसको, eg cos theta into a, ये लिख रहे हो तुम,
मतलब तुमको सिर्फ वही चाहिए बच्चों, अरे तुमको वही फील्ड लाइन चाहिए जो एरिया वेक्टर के अलोंग है या सरफेस के परपेंडिकुलर है। इससे क्या कर रहे हो तुम, डॉट प्लॉट ले रहे हो। बताया था ना अभी कौन सी फील्ड लाइन चाहिए बच्चों मुझे, जो एरिया वेक्टर के अलोंग या एरिया के परपेंडिकुलर। अरे आई बात समझ में ऑनलाइन वाले बच्चों, आई बात समझ में। इसीलिए क्या करते हैं हम, धन्यवाद, उसको दे दो सर, क्या करते हैं हम डॉट प्लॉट लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे क्लोज सरफेस का पता करना है बच्चों, देखो तो क्लोज सरफेस में क्या होगा, क्या एरिया वेक्टर हर जगह सेम होगा? नहीं। प्लेन में तो कह दिए, मान लो प्लेन सरफेस है तो यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम। अरे भाई सरफेस पर नॉर्मल क्या होगा हर जगह, सेम। बट अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा हो जाए बच्चों, तो यहां पर एरिया वेक्टर हर जगह सेम है क्या? नहीं है। अरे नहीं है ना सेम, तो तुम डायरेक्ट कह सकते हो क्या इंटीग्रेट? नहीं। क्या करोगे, छोटा सा एरिया लोगे, क्या लिखोगे इसको, डी ए लिख दो या डी एस लिख दो। यहां पर क्या लिखोगे बच्चों, ई जी लिख दोगे। तो जो डी फाई आएगा छोटा फ्लक्स, वो कितना आएगा, ई जी डॉट डी एस। अब फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर, अरे डॉट प्रोडक्ट आ रहा है भाई, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर होता है स्केलर। तो क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा नेट बच्चों, ई जी डॉट डी एस क्या जाएगा, ई जी डॉट डी एस। ये हमेशा वैलिड है भाई, अगर मान लो एरिया वेक्टर कांस्टेंट हुआ तो बाहर हो गए आप, ठीक है। क्या हो, क्या देख रहे हो, नीचे अगर बत्ती है ज्यादा आ रहे हैं तुम ले आओ। नहीं, नीचे पोडियम के पास रखिए, ठीक है। मच्छर है काफी ज्यादा है, मुझे बहुत काटते हैं, ठीक है। ऐसा है मेरा परिचित नहीं है, लिख लिया, ठीक है। ओके, हेडिंग डालो फ्लक्स ड्यू टू, फ्लक्स ड्यू टू स्फेरिकल एरिया, सॉरी स्फेरिकल सरफेस व्हेन मास m या पॉइंट मास इज प्लेस्ड एट सेंटर। When mass m is placed at center, ठीक है। मतलब ऐसा बच्चों, एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है ना, इसके सेंटर पर क्या रख दिया है मैंने, स्मॉल m का मास रख दिया, ठीक है। अच्छा यार, इसके पहले एक चीज लिखनी थी, मुझे गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताना था, फिर चलेगा भी ये मर मर के। इसके पहले मुझे गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताना था, बट चलो इसको एक बार देख लो, ठीक है। मान लो देखो, इस जो स्फेरिकल स्फेरिकल सरफेस है ना, इससे कितनी फील्ड लाइंस नॉर्मल गुजर रही है ये पता करना है, मतलब इससे गुजरने वाला फ्लक्स पता करना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था बच्चों, देखो कभी कभी हम ये साइन यूज करते हैं बच्चों, ये बताता है क्लोज सरफेस, एक स्फीयर क्लोज सरफेस होता है, ठीक है, ये यूज करते हैं कभी कभी साइन, या ना भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे लिए, यही था, ओके।
क्या करोगे आप यहाँ पर? एक तुम डीएस रिलीक नहीं लिए बच्चों, ठीक है। अब बताओ इसकी रेडियस बच्चों क्या मान लो तुम? आर मान लो, सिर्फ रेडियस क्या मान लो? आर। इस पर ग्रेविटेशन जो फील्ड होगी बच्चों, ग्रेविटेशन फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बताया था अभी कि कितना होता था, पॉइंट मास से आर डिस्टेंस पर फील्ड कितनी होती थी? अरे पॉइंट मास से आर डिस्टेंस पर फील्ड कितनी होती थी? जी एम बाई। और किधर होगा बच्चों फील्ड की डायरेक्शन? इनवर्ट। हाँ ऐसे नहीं बोलते अनुष्का, क्या बोलेंगे? रेडियली इनवर्ट्स। क्या बोलेंगे? रेडियली इनवर्ट्स, ठीक है ना। अब बताओ ईजी और डीएस बच्चों क्या है तुम्हारा? ये क्या हो गया? ई की डायरेक्शन हो गई, ये क्या हुई? डीएस की डायरेक्शन। दोनों के बीच कितना एंगल है? 180 डिग्री का। अरे कितना एंगल है? 180 डिग्री का। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? क्या होगा बच्चों ई की वैल्यू? जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस इंटू क्या होगा बच्चों? कॉस 180। कॉस 180 क्या होगा? माइनस वन। तो जी एम कॉन्स्टेंट है बच्चों, आर स्क्वायर भी पूरे सरफेस पर क्या होगा? कॉन्स्टेंट। बाहर निकाल लो तो क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा? डी एस। माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर डी एस। अब बताओ डी एस क्या होगा? पूरे सरफेस का एरिया। सरफेस एरिया कितना होता है? दुखी बाद में लिख लेना, ठीक है। क्या होगा? कितना होता है पूरे सरफेस का एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा बच्चों? माइनस, हाँ लिखू मैं, देखो जगह बन गई। क्या होगा? माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, कितना आ गया बच्चों? माइनस 4 पाई जी एम। अरे आ गया ना फ्लक्स, ठीक है। यहां पर फाई लिखा है, कुछ लोग अभी सब्सक्रिप्ट में लिख देंगे 4 पाई चाहिए, तो यहाँ पे लिख दे रहा, ठीक है। ओके इसी से बच्चों गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया है, इसी से गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया है। लिख लिया? यस सर। अच्छा ये बात बताओ, जितना जो फ्लक्स आ रहा है बच्चों, देखो 4 पाई जी तो कांस्टेंट है, ये क्या आ रहा है आपका? मास। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है? नहीं आ रहा, उधर नहीं लिखा, इधर लिखा। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है? नहीं आ रहा। अरे आ रहा है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। क्यों? अरे फ्लक्स क्या होता है बच्चों? ईजी डॉट डीएस। जितना ज्यादा मास होगा उतना फील्ड इंटेंसिटी होगी। सोचो जितनी फील्ड इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस गुजरेंगी नहीं गुजरेंगी उससे? अरे फील्ड लाइंस भाई क्या बताता है फील्ड लाइन की डेंसिटी? स्ट्रेंथ। जब स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा गुजरेंगी सेम एरिया से। अरे यारी बात समझ में? हाँ एक और बात ये होगी कि भाई जितना मास इनक्लोज कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। अच्छा बताओ अगर बच्चों ये स्फीयर है, गॉसियन स्फीयर है, ठीक है ना, मास बाहर रख दिया तो अभी इस गॉसियन स्फीयर से कितना फ्लक्स गुजरेगा?
मैं कह रहा हूँ जीरो गुजरेगा, क्यों? हाँ कुछ तो बोल रहे थे, शर्मा खाई गए तुम। देखो फ्लक्स क्या होता है बच्चों, देखो क्या होता है भाई, ईजी डॉट डीएस ये होता है। देखो यहां से बच्चों देखो ये क्या होता है, कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, समझ पाए नहीं समझ पा रहे, कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, वही उसी का मेजर होता है, ठीक है। अब देखो अगर कोई फील्ड लाइन बच्चों गुजर रही है यहां से, ठीक है, कोई फील्ड लाइन यहां से गुजर रही है, तो यहां पर देखो मतलब फील्ड लाइन गुजर रही है मतलब फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई बच्चों, इधर, अरे हुई कि नहीं हुई, फील्ड की डायरेक्शन किधर हुई, इधर, और क्या हुआ तुम्हारा डीएस किधर हुआ बच्चों, इधर, ईजी क्या हुआ इधर, तो ईजी डॉट डीएस बच्चों क्या आया, निगेटिव में आया, अरे अपोजिट है ना, क्या है बच्चों निगेटिव में आया। अब देखो ये फील्ड लाइन यहां से क्रॉस होगी नहीं होगी, अरे होगी, इधर क्या आया बच्चों ईजी, और डीएस क्या आया सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, तो अभी क्या आएगा बच्चों यहां पर पॉजिटिव, तो नेट क्या आया बच्चों जीरो आया, तो बाहर का मास क्या फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा क्या, नहीं, अरे उसके कारण जितनी फील्ड लाइन गुजर रही है उतनी क्या निकल रही है, बाहर भी निकल रही है, जितनी एनर्जी वो दे रहा है उतनी ही बाहर निकाल ले रहा है, तो कोई उस इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं, अरे यार ये बात समझो, अब मास जो तुमने अंदर रखा है उससे क्या हो रहा है देखो, अरे उससे फील्ड लाइंस क्या होंगी बच्चों, सॉरी गलत बना दिया, सारी अंदर आ रही नहीं आ रही बच्चों देखो, अरे आ रही थी नहीं आ रही थी, अरे देख लो ऐसे आ रहा था नहीं आ रहा था, तो इसमें क्या हो रहा था, सारी अंदर आ रही थी बाहर नहीं जा रही थी, समझ पा रहे हो, इसमें क्या हो रहा था, जितनी अंदर जा रही उतनी बाहर भी निकल रही है, तो नेट कितना कंट्रीब्यूशन है जीरो। तो गॉस लॉ यही कहता है बच्चों, गॉस ने एक लॉ दिया था, क्या कहा था, ग्रेविटेशनल फ्लक्स जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास इनक्लोज्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास इनक्लोज्ड, अरे भाई ये तो हमने निकाल लिया है ना अभी, आया कि नहीं आया, इनक्लोज्ड मास के प्रोपोर्शनल था ये, इनक्लोज्ड मास क्यों लिखा, बाहर का मास इफेक्ट नहीं करता, और टोटल तुमको फ्लक्स पता करना है, तो क्या बोला उन्होंने, जो फ्लक्स नेट क्या होगा, माइनस फोर पाई जी इंटू एंगुलर, क्या लिख दिया, एम इनक्लोज्ड लिख दिया बस, अरे यहां पर ही तो है ना इनक्लोज्ड मास क्या था एम, तो यहां क्या कहा उन्होंने, नेट फ्लक्स क्या होगा, माइनस फोर पाई जी एम इनक्लोज्ड, यहां पर ही तो आ रहा है ना, माइनस फोर पाई जी एम, यहां पर क्या कह दिया उन्होंने, एम इनक्लोज्ड, मान लो एक ही मास था, अगर मान लो कई मास है बच्चों m 2m 3m और यहां पर क्या बच्चों 5m, मान लो यहां पर बाहर कितना रखा है 5m मास रखा है, ठीक है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा बताओ, माइनस 4 पाई g, मास कितना इनक्लोज्ड है बच्चों, अरे भाई m प्लस 2m प्लस 3m, क्या बाहर वाले को इंक्लूड करें क्या, नहीं, तो कितना हो जाएगा माइनस 24 पाई जी एम, ये है गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, अरे आगे बात समझ में, ठीक है, हमको इसको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ग्रेविटेशन वगैरह इसमें यूज पड़ेगा, ठीक है, लिखो गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टाइम कितना हुआ है, 6-7 काफी ज्यादा टाइम हो गया, देखिए ऑनलाइन वाले रुके हैं भग गए हैं, ऑनलाइन वाले रुके हैं बच्चे बताओ, आधे वैसे भग जाते थे, देखो गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखो इसको समझ लोगे ना जो सारे कंसेप्ट है ना आपके आगे वाले सारे, हाँ गॉस लॉ GAUSS, गॉस का नाम नहीं सुना है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती थी गॉस, उनको पढ़ा शायद फाउंडेशन में पढ़ा होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की, हाँ उसको ही तरफ था, गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
क्या कहेंगे बच्चों? नेट ग्रेविटेशनल फ्लक्स किसे डिफाइन करते हैं? क्लोज सरफेस से, क्योंकि मास किसमें क्लोज होगा? क्लोज सरफेस में। अरे क्लोज सरफेस ही वॉल्यूम इनक्लोज कर सकता है ना, तो वही तो मास भी इनक्लोज कर सकता है। ओपन सरफेस तो मास इनक्लोज कर नहीं सकता। लिखो, नेट ग्रेविटेशनल फ्लक्स, हाँ नेट ही लिख दो, नेट ग्रेविटेशनल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनक्लोज्ड इनसाइड सरफेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनक्लोज्ड इनसाइड सरफेस। ठीक है, उसके बाद लिख लेना बच्चों पाई नेट क्या होगा, ई जी डॉट डी एस, ये क्या होगा माइनस फोर पाई जी इंटू एम इनक्लोज्ड। उसके बाद ये क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद इसका आंसर भी लिख लेना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनक्लोज्ड, बस इतना। अरे ये तो लिखा बोला ना, नेट ग्रेविटेशनल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनक्लोज्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या आ जाएगा बच्चों बताओ? चार्ज इनक्लोज्ड, बस। लिख लेना भाई, नहीं वो ठीक है ना, फन के सेंस में नहीं बोला था, वो जेन्युइनली बोला था। लिख लो क्वेश्चन भी लिख लेना और आंसर भी। क्या हुआ, नहीं दिख रहा उसको? अरे क्वेश्चन लिख लेना, तुमको फाइनेट फाइंड करना था बच्चों। ठीक है, पांचवा वाला क्या है, बाहर रखा हुआ है, तो ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। एक क्वेश्चन आया था, फ्लक्स में तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्या, ईजी में कंट्रीब्यूट करेगा क्या? हाँ ईजी में करेगा, बट फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये आईटीजी एक क्वेश्चन आया। लिख लिया भाई? ठीक है, अब देखो गॉस नियम क्या बता दिया बच्चों, फोर पाई जी एम बता दिया। ठीक है, इससे बच्चों मैं ईजी की वैल्यू भी पता कर सकता हूं। अगर मैं ईजी डीएस कैलकुलेट कर सकूं आसानी से, तो मुझे ईजी की वैल्यू भी निकल जाएगी आराम से। अरे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बहुत आसानी से। इमेजिन करो, मैं एक बता दे रहा हूँ जल्दी से, पॉइंट मास वाला बताया था कि नहीं बताया था बच्चों? अरे पॉइंट मास के कारण ईजी पता तुमको, अगर मान लो तुम्हें गॉस लॉ से निकालना है तो कैसे करोगे? ईजी ड्यू टू पॉइंट मास, थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा कष्ट और पॉइंट मास क्या करोगे? मान लो कोई पॉइंट मास है बच्चों, ठीक है ना, इसके कारण आर डिस्टेंस पर तुमको फ्लक्स पता कर, सॉरी फील्ड पता करनी है। क्या पता करना है? क्या बताना तुमको? ईजी पता करना है। तो क्या करोगे? गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या कर रहे हैं भाई, छोड़ रहा हूं दंगा उंगा ना करो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, क्या वो रोने लगी हो? ठीक है, देखो हम बच्चों बताए ना, ऐसा यूज करोगे जिससे ईजी डीएस आराम से क्या कर सको तुम, कैलकुलेट। ईजी डीएस क्या था बच्चों तुम्हारा? माइनस फोर पाई जी मास इनक्लोज्ड, अरे यही था। अगर तुम ईजी डीएस आराम से कैलकुलेट कर सको, ईजी को क्या करो तुम बाहर निकाल सको, तो डिवाइड कर दोगे डीएस से इसको, तो आ जाएगा। देखो
अब तुम सरफेस कैसा लोगे बच्चों? गॉसियन सरफेस स्फेरिकल। अरे क्या लोगे? गॉसियन सरफेस स्फेरिकल। क्यों? सिमेट्री है बच्चों, देखो पॉइंट मास के चारों ओर, तो ईजीडीएस आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अरे समझ पा रहे ना? ऐसा सिलिंड्रिकल भी ले लो सर, सिलिंड्रिकल में क्या सिमेट्री है क्या? इधर इधर नहीं, क्या लोगे? ठीक है ना, लेट्स टेक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। तो देखो यहां पर क्या ले लें बच्चों, एक पॉइंट मास ले लें, क्या ले लें? पॉइंट मास, सर पॉइंट एरिया ले लें, पॉइंट मास करो। ये क्या हो गया बच्चों? डीएस। ठीक है ना, अब देखो देखो देखो, हमको एग्जैक्ट नहीं पता करना, मुझे ये पता है डायरेक्शन तो इधर होगी, डायरेक्शन तो इधर ही होगी ना। अरे ईजी की डायरेक्शन तो इधर ही होगी बच्चों, ठीक है ना, पॉइंट मास रखोगे इधर ही खींचेगा। तो बताओ ईजी डीएस क्या आएगा बच्चों? ईजी इंटू डीएस इंटू कॉस 180। अरे यही आएगा, नहीं आएगा बच्चों? ठीक है, और क्या आएगा? माइनस 4 पाई जी, मास इनक्लोज कितना है बच्चों? स्मॉल एम। ठीक है, तो देखो अब ईजी बच्चों क्या होगा पूरे सरफेस पर? सेम होगा नहीं होगा? पूरे सरफेस के लिए तो कांस्टेंट है, अरे वैल्यू तो सेम होगी ना, वेरी थोड़ी कर रहा है, तो क्या आएगा इंटीग्रल के बाहर? तो क्या आ जाएगा बच्चों? eg into cos 180 क्या होगा? माइनस eg इंटीग्रल ds इक्वल टू क्या होगा? माइनस 4 पाई gm। अरे याद नहीं आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे eg के लिए? क्या करोगे बच्चों? देखो माइनस माइनस कैंसिल, क्या होगा? माइनस 4 पाई gm अपॉन क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। अरे कर दो, नहीं कर दोगे? अरे ds क्या होगा पूरा? अरे इंटीग्रल ds क्या होगा? पूरा सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो क्या होगा eg? क्या होगा? 4 पाई gm बाई 4 पाई r स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा, क्या जाएगा? gm बाई r स्क्वायर। क्या आ जाएगा? gm बाई r। अरे आ गया, यही आ रहा था, नहीं आ रहा था? गॉस लॉ से हमने निकाल लिया। अरे आ गया, लिख लो जल्दी से, मैं कुछ तुमको होमवर्क दे दे रहा हूं, ठीक है ना, इसके बाद करके आना गॉस लॉ ग्रेविटेशन का यूज करके। ठीक है, छोड़ रहे हैं बच्चों ऑनलाइन वाले, ठीक है ना, सांस थामे रखो बस थोड़ी देर। ठीक है, लिख लिया। होमवर्क लिख लो। फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट, ठीक है ना, इनसाइड एंड आउटसाइड हेमिस्फेरिकल शेल, सॉरी स्फेरिकल शेल ना, हेमिस्फेरिकल स्फेरिकल शेल दूसरा क्या होगा? इनसाइड एंड आउटसाइड सॉलिड स्फीयर, ठीक है, क्या होगा बच्चों? सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड सॉलिड स्फीयर, लिख लिया।
बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर तुमको फॉर एग्जांपल शेल जो है ना, शेल के तुमको अंदर तुमको पता करना है फील्ड इंटेंसिटी, मान लो सेंटर से आर डिस्टेंस पर तुमको पता करना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे बच्चों, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो देखो ईजी डॉट डी एस तो सेम आएगा, माइनस ईजी इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। अरे जैसे अभी आया था नहीं आया था, कितना मास इनक्लोज है अंदर? अरे यही है ना, मास इनक्लोज कितना अंदर? जीरो। तो अंदर फील्ड डेंसिटी कितनी आएगी? जीरो। बाहर बच्चों अगर मान लो आर हो जाए तो क्या होगा, कितना मास इनक्लोज होगा? एम, जो स्फीयर का सेल का मास है, तो क्या हो जाएगा? मैं इनक्लोज क्या रख दोगे? एम, डिवाइड कर देना आ जाएगा। सॉलिड स्फीयर में क्या होगा? बाहर तो बच्चों सेम आएगा, नहीं सेम आएगा जैसे इसका आ रहा है, बाहर तो सेम आएगा जैसे इसका आ रहा है, ठीक है ना। अंदर क्या होगा बच्चों? अंदर यहाँ पर मास होगा, मान लो अंदर आर डिस्टेंस पर ले रहे हो तो क्या होगा, जो अंदर वाला है इसी का मास लोगे? नहीं लोगे, ठीक है ना। तो क्या करोगे, फोर पाई आर क्यूब का मास इतना है, कैपिटल आर क्यूब का मास, स्मॉल आर क्यूब का मास इतना होगा, ठीक है। उससे मास इनक्लोज निकाले, मास इनक्लोज क्या जाएगा उसमें? अरे आर इक्वल टू कैपिटल आर स्मॉल आर रख दोगे, पूरा मास आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर लेना, मतलब अंदर मतलब क्या हुआ, सेंटर से आर डिस्टेंस पर अंदर, आउटसाइड मतलब क्या हुआ, सेंटर से आर डिस्टेंस पर आउटसाइड। जो रेडियस है बच्चों क्या होगी? कैपिटल आर होगी, मास क्या होगा? कैपिटल एम, ठीक है ना। अरे रेडियस क्या होगी तुम्हारी? कैपिटल आर, और मास क्या होगा? कैपिटल एम, ठीक है। अरे आगे बात समझ, इसी का फॉर्मूला का यूज करके बच्चों निकाल लेना, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ये गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही आता है, बुक में नहीं दे रखा, ठीक है ना, शायद मॉड्यूल में भी नहीं दे रखा, शायद दे रखा है, नहीं दे रखा, मैंने देखा नहीं, नहीं दे रखा है, ठीक है, बट काफी यूजफुल है, ठीक है ना। आप जी एडवांस लेवल तक आराम से कर सकते हो इससे, ठीक है बच्चों। कितना टाइम हो गया? हाँ, थैंक यू।